जय माता दी, जय माँ कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल जन्म पत्रिका का विश्लेषण 2 मार्च सन 1990 को रात को 23:41 पर अहमदाबाद में जिस बालक का जन्म हुआ है उसके बारे में हम भविष्यवाणी कर रहे हैं। यह जन्म समय और जन्म तारीख और स्थान एट रैंडम बेसिस पर लिया गया है। जिस किसी का भी हो वह इसको अपना भाग्य मान सकता है। 2 मार्च सन 1990 को रात को 23:41 पर अहमदाबाद में वृष राशि आती है। इसका स्वामी शुक्र होता है। राशि स्वामी शुक्र होने से इस बालक को शुक्र यानी कि देवी जी की पूजा करना चाहिए और हीरा रत्न ये धारण कर सकता है। तुला लग्न की पत्रिका बनती है जिसका स्वामी भी शुक्र है। तो राशि स्वामी भी शुक्र है और तुला लग्न का स्वामी भी शुक्र है, इसलिए इस मनुष्य को शुक्र के लिए हीरा रत्न अवश्य धारण करके रखना चाहिए पूरी जिंदगी भर, तो इसका भाग्य खुल सकता है। आज की तारीख में उम्र 32 वर्ष 5 माह हो चुके हैं। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन जन्म हुआ है। उस दिन कृति का नक्षत्र था, चरण 2 चल रहा था, जिसका स्वामी सूर्य है। तो नक्षत्र के अनुसार यदि इसको अपना भाग्य का परिवर्तन करना है तो रोजाना सूर्य उदय के पहले उठ जाना चाहिए, यानी ब्रह्म मुहूर्त में, यानी जब अंधेरा रहे तभी अपना बिस्तर छोड़ करके स्नान ध्यान करके सूर्यनारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम या ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः, जो भी मंत्र आसानी से याद कर सके उस मंत्र को बोलते हुए श्री सूर्यनारायण भगवान को रोजाना जल चढ़ाना चाहिए, ताकि नक्षत्र मजबूत होने पर लग्न भी मजबूत होगा। शुक्र सूर्य ग्रह की पूजा अधिक करना होगी, यानी देवी पूजन अधिक करना होगा। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान कर सकते हैं। नवरात्रि में दुर्गा अनुष्ठान करना ही करना चाहिए, क्योंकि तुला लग्न का स्वामी भी शुक्र है और राशि स्वामी भी शुक्र है, इसलिए इनको देवी की उपासना करना ही करना पड़ेगी। और देवी जी का जो अनुष्ठान है करने पर ही इनका भाग्य खुलेगा। शुक्र सूर्य की पूजा अधिक से अधिक करें और शुक्र राहु इनका एक साथ बैठा हुआ है मकर राशि में, 4th भाव में बैठा हुआ है। तो इस मनुष्य को पत्नी का श्राप है, स्त्री का श्राप है, इसलिए इस मनुष्य को स्त्री के लिए तड़पना पड़ सकता है, देरी से विवाह हो सकता है। और यह मनुष्य यदि पराई स्त्रियों के संपर्क में रहेगा तो इसका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहेगा, पराई स्त्रियों से इसको दूर रहना है। अन्यथा यह राहु शुक्र मिलकर के इससे पाप कर्म कराएगा, जिससे इसकी मां को तकलीफ होगी। जितना पराई स्त्रियों से दूर रहेगा उतना इसको माता पिता का सुख मिलने की संभावना बनती है। राहु मकर राशि का बैठा हुआ है चतुर्थ स्थान में, जो उसकी सम राशि है, तो वाहन दुर्घटना के योग बनते हैं। राहु की दशा महादशा अंतरतर दशा और प्रत्यंतर दशा में दुर्घटना के योग बन सकते हैं। और राहु शुक्र का मतलब हो गया वैवाहिक जीवन के उपरांत यह दुर्घटना होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है, सावधानी रखना होगी। जमीन जायदाद ऐश्वर्य प्रतिष्ठा के मामले में यह व्यक्ति खुशकिस्मत नहीं होगा, यानी कि शुक्र राहु की युक्ति यहां पर भौतिकवादी सुख नहीं दे रही है।
जमीन जायदाद का सुख नहीं दे रही है, ऐश्वर्य प्रकार इज्जत का प्रतिष्ठा का सुख नहीं दे रही है, इसलिए इनको यहां पर राहु की शांति भी कराना होगी, और राहु की शांति कराने के लिए काली मां की या भैरव जी की उपासना करना चाहिए। जीवन में प्रगति एवं सामान्य सुख कम रहेगा राहु शुक्र की युक्ति की वजह से, क्योंकि राहु शुक्र जो है लंपट योग बताता है, और इस लंपट योग की वजह से जीवन में प्रगति कम हो जाएगी और सामान्य सुख भी कम कर रहा है। यानी इनके पूरे जीवन में इनको शुक्र की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना है, खीर से हवन ज्यादा से ज्यादा करना है, शुक्रवार का व्रत उपवास रखना है, और शुक्रवार के दिन नमक खटाई दही छाछ आंवला टमाटर इमली खटाई चीज जितनी भी होती इन सब का त्याग करके सिर्फ मीठा भोजन करना चाहिए, यानी खीर इनको ग्रहण करना चाहिए, खीर पे ही इनको एक समय उपवास रखना चाहिए। राहु की दशा में सुख प्राप्ति में बाधा रहेगी, और राहु की दशा जब भी आती है बड़ी लंबे समय तक आती है। इस मनुष्य को गोमेद नामक रत्न हमेशा धारण करके रखना चाहिए, और एक चांदी का हाथी राहु की शांति के लिए शुभ के लिए हमेशा गले में चांदी का हाथी भी पहन करके रखना चाहिए, और राहु के शांति के लिए दुर्वांकुर में काले तिल और घी मिला करके ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सर राहवे नमः यह मंत्र बोलते हुए उनको हर बुधवार के दिन हवन करना चाहिए, जिससे राहु कुछ हद तक आपको सुख प्रदान कर सकता है। चंद्रमा अष्टम भाव का बैठा हुआ है, वृष राशि का उच्च का है, परंतु चूंकि गड्ढे में बैठे होने की वजह से कमजोर हो गया है। यह उम्र तो लंबी कर रहा है, परंतु जो राजयोग था वो राजयोग को भंग कर दिया है, इसलिए राजभंग योग उत्पन्न हो गया है। कर्महीन एवं पर निंदक होने की संभावना चाहता है, यानी मनुष्य कर्म करना चाहता है पर कर्म करने के लिए इसके पास में योग्यता भी है, परंतु इसको कोई काम पे रखने को तैयार नहीं होगा, इसलिए उसे कर्महीन बोलते हैं। यानी काम करने की कोशिश करता है परंतु वहां सफलता नहीं मिलती है, इसलिए इसको कर्महीन कहा गया है। और पर निंदक भी है, पर निंदक का मतलब हो गया दूसरों की निंदा करने वाला। तो इस मनुष्य को एक तो कर्म करने का पूरा पूरा प्रयास करना चाहिए, और यदि कर्म नहीं कर पा रहा है, कहीं पे सर्विस नहीं लग पा रही है या व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, तो भगवान का नाम लेना चाहिए, वो भी देवी जी का मंत्र ज्यादा से ज्यादा जप करें, किसी गुरु से नौ रात्रि का यानी नव ग्रह शांति का कह लीजिए, या नवान मंत्र कह लीजिए, या कुंजी का स्त्रोत कह लीजिए, उस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा इनको जप करना चाहिए, ताकि कर्म कुछ तो कर्म करेगा, मंदिर में सेवा करना प्रारंभ कर दे, यदि समय हो तो इस मनुष्य को मंदिर में सेवा करना चाहिए, ताकि इसके पिछले जन्म के ये पाप कर्म और श्राप जो है ये धुल सके। इस मनुष्य को चंद्रमा की वजह से धन की कमी भी रहेगी, संकट चतुर्थी का इसको व्रत उपवास करना चाहिए, श्री शिव जी का पूजन करना चाहिए, सोमवार का व्रत उपवास करना चाहिए। खर्चे कहां से करें इसके लिए हमेशा चिंतित रहेगा, इसको लक्ष्मी जी की कमी हमेशा बनी रहेगी, इसलिए इसको कन्या पूजन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कन्या पूजन करके खीर का भोजन उनको कराएं, खुद भी खीर ग्रहण करें, खटाई बिल्कुल भी नहीं खाना है, नमक बिल्कुल भी नहीं खाना है, और लक्ष्मी जी का पूजन ज्यादा से ज्यादा करें। लक्ष्मी अष्टकम का रोजाना कम से कम 27 बार या 54 बार पाठ करना चाहिए। श्री लक्ष्मी जी का इस मनुष्य को इलायची से हवन करना चाहिए श्री सूक्त के माध्यम से, तो इसके पास शायद लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। पत्रिका अच्छी नहीं बताई जा रही है, फिर भी हमने एक रैंडम बेसिस पर लिया है। एक बार और पुनः बता देते हैं कि 2 मार्च सन 1990 को रात्रि 23:41 पर अहमदाबाद में जिस बालक का जन्म हुआ है उसके बारे में हम भविष्य बता रहे हैं। मंगल शनि धनु राशि का तृतीय भाव में बैठा हुआ है, यह मुख्य मार्केश ग्रह है। तृतीयेश एवं सप्तमेश होने से मंगल जो है मुख्य मारक ग्रह बन गया है, और धनु राशि का है, यह मंगल की मित्र राशि है। किस्मत चमकती है
कोर्ट कचहरी में भी विजय मिलेगी। एक पुत्र जीवित रहने की संभावना बन सकती है, बहुत प्रयास करने पर, पूजा पाठ करने पर, अन्यथा पुत्र जीवित नहीं रहेगा। मंगल संतान का संताप देती है, यानी कि हो सकता है पुत्र रत्न उत्पन्न होने के बाद मरने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। इसके लिए इनको मंगल की शांति कराना होगी, सूर्य की शांति भी कराना होगी, यानी दोनों लाल पूजा और पीली पूजा के अंतर्गत आते हैं। इनको इन दोनों की पूजा कराना होगी तो ही मंगल की और सूर्य की वजह से पुत्र उत्पन्न हो सकता है और बच भी सकता है, अन्यथा उत्पन्न होने के बाद मरने की संभावनाएं ज्यादा बनती है। छोटे भाई का सुख नहीं मिलेगा, यदि छोटा भाई होगा तो उसकी मृत्यु होने की भी संभावना है। अन्य बड़े भाई हो सकते हैं परंतु छोटे भाई का सुख नहीं मिलेगा, होगा तो छोटा भाई मर सकता है। शनि जो मंगल के साथ में बैठा हुआ है धनु राशि का, वह भाइयों से नहीं पटने देगा और भाई का सुख नहीं मिलेगा इनको। शनि पराक्रम करने पर सुख समृद्धि शांति देगा, यानी मेहनत करने का प्रयास करेगा तो हो सकता है कुछ सुख प्राप्त हो जाए, विकास हो जाए। शनि जो है लग्नेश शुक्र का मित्र भी है, शनि धनु राशि का है तो शनि की दशा में भाग्योदय हो सकता है और शनि की दृष्टि भाग्य स्थान पर भी पड़ रही है, तो शनि की पूजा एक बार कर लें, पीपल की पूजा ज्यादा कर लें, शनि के उतारे कर लें, हो सकता है भाग्य खुल जाए ताकि कुछ कमाई के रास्ते इनके खुल सकते हैं। शुक्र जो है दुख स्थान वाले स्वामी का स्वामी होने से अशुभ फल प्रदान कर रहा है, क्योंकि यहां पर तुला लग्न की पत्रिका में दो नंबर अष्टम भाव में बैठा है, यानी वृष जो है वह अष्टम भाव में बैठा हुआ है और इसलिए अशुभ फल प्रदान करेगा, और शुक्र राहु के साथ बैठ करके भी अशुभ फल प्रदान कर रहा है, यानी कि स्त्री का सुख इस बालक के जीवन में शायद नहीं हो, या होगा तो बहुत कम सुख मिलने की संभावना है। घर में किट-किट लड़ाई झगड़ा वगैरह चलने की संभावना भी बहुत ज्यादा बनती है। माता के सुख में कमी रहने की संभावना है। अपनी स्त्री को छोड़कर के पराई स्त्री से शारीरिक संबंध बनने की संभावना बनती है, इसलिए इस मनुष्य को इस पाप कर्म से बचना चाहिए, तो इसके ऊपर देवी कृपा हो सकती है। देवी पूजन अधिक से अधिक करें, स्त्री का मान सम्मान करें और कन्या पूजन करें। शुक्रवार का व्रत उपवास करना ही करना है। शुक्र और बुध पंचम स्थान में बैठा हुआ है कुंभ राशि का, जो पाप फलदायक है। यहां पंचमस्त सूर्य जो है कुंभ राशि में शत्रु क्षेत्री है, इसलिए सुख तो देगा परंतु पुत्र सुख देने में थोड़ी कमी कर सकता है, कन्या अधिक होने की संभावना बनती है। फिर भी सूर्य उदय के पहले यदि ये उड़ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उड़ जाते हैं और सूर्यनारायण भगवान के सामने बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करते हैं या फिर शिव जी का मंत्र का जप करते हैं और फिर सूर्य उदय देखते हुए, लालिमा देखते हुए सूर्यनारायण भगवान को तांबे के लोटे में जल, गुड़ और कुमकुम डाल करके यदि वो प्रदान करते हैं तो सूर्यनारायण भगवान अच्छा फल प्रदान कर सकते हैं। केतु जो है पिता का सुख कमजोर कर रहा है, किस्मत अस्पष्ट है इनकी और किस्मत से असंतुष्ट भी रहेंगे, यानी जिंदगी में जो चाहते हैं वो इनको नहीं मिल पाएगा। केतु भी तड़पाने का काम करेगा, केतु भी अशुभ फल प्रदान करेगा, तो केतु जो है एक तरीके से खराब फल प्रदान कर रहा है। गुरु ग्रह जो है भाग्य स्थान पर बैठा है, यह अच्छा फल प्रदान करेगा। मिथुन राशि का है, मित्र राशि का है और द्वितीय मार्केश का तो काम करेगा परंतु फिर भी परम पापी होने की वजह से कुछ भाग्य में कमजोरी प्रदान करता है। यह गुरु जो है भोगी और योगी दोनों गुण बताता है। अब नटशेल में इस पत्रिका का रिजल्ट यह आता है कि इस मनुष्य को केतु ग्रह की शांति की पूजा करवाना होगी या खुद करना होगी। शुक्र और राहु बहुत ज्यादा खराब है, इसको ताज जिंदगी संभाल करके रखना पड़ेगा, दोनों ग्रह को शांत करके रखना पड़ेगा। पूरी जिंदगी भर इन दोनों की पूजन अर्चन करते, जप तप हवन
तर्पण अनुष्ठान सब करना होगा, तब इनके जीवन में खुशहाली आ सकती है। मंगल शनि भी जो है ज्यादा अच्छा फल प्रदान नहीं कर रहा है और चंद्रमा तो खराब फल दे ही रहा है। इस प्रकार यहां पर जो है 6 ग्रह इनके अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं 9 ग्रह में से, यानी कि राहु खराब हो चुका है, शुक्र खराब हो चुका है, केतु खराब हो चुका है, चंद्रमा खराब हो चुका है और मंगल शनि की युक्ति भी अच्छा फल प्रदान नहीं कर रही है। इस प्रकार से 6 ग्रह की शांति इनको कराना होगी, यानी रोजाना 1 घंटा बैठ करके जब तक यदि इनका कोई जाब नहीं लग पा रहा हो या व्यवसाय नहीं चलता हो, दुकान पर बैठते हैं, दुकान पर ग्राहक नहीं आते हो, तो फिर इनको रोजाना 9 ग्रह शांति का जो मंत्र होता है, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु, ये वाला मंत्र इनको ज्यादा से ज्यादा बैठे बैठे जप करना चाहिए। तुला लग्न के मनुष्य जुआ खेलते हैं और नुकसान उठाते, इसलिए हमारी सलाह है कि जुआ बिल्कुल भी नहीं खेलना है, लॉटरी बिल्कुल भी नहीं खेलना है, सट्टे का काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आजकल जो अलग अलग प्रकार की स्टाइल से नेट पर जो है सट्टा लगाया जाता है, तो कोई भी काम ऐसा नहीं करें जो कम मेहनत में अधिक फल की प्राप्ति होती है, उसमें नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ेगा। तुला लग्न वाले को गुरु शुक्र और बुध अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं, इनकी शांति जिंदगी भर करते रहना पड़ेगी। गुरु सूर्य और मंगल ये अशुभ योग प्रदान करेंगे। मंगल मुख्य मार्केश है, इसलिए हनुमान जी की पूजन अर्चन इनको ज्यादा से ज्यादा करना है। गुरु भी मार्केश का काम करेगा, इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे इनको रोजाना सूर्यास्त के समय पर दीपक लगाना है, रात होने पर दीपक बिल्कुल भी नहीं लगाएं। और महामृत्युंजय मंत्र के जप मंगल की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में करना होंगी। सूर्य गुरु मंगल पाप फल प्रदान करेंगे, गुरु परम पापी है, गुरु ग्रह अच्छा फल नहीं देगा, भाग्य स्थान पे जरूर बैठा है पर फिर भी अच्छा फल प्रदान नहीं करेगा क्योंकि वह परम पापी शब्द के रूप में प्रयोग किया गया है। जीवन रत्न जो है हीरा है, हीरा रत्न आप धारण कर सकते हैं, पन्ना रत्न धारण कर सकते हो या फिर अमेरिकन डायमंड धारण कर सकते हैं या फिर शनि के लिए नीलम धारण कर सकते हैं। माणिक मोती मूंगा पुखराज रत्न आपको धारण बिल्कुल भी नहीं करना है, अन्यथा तुरंत नुकसान या एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएगी। आपका शुभ दिवस जो है शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार का ही व्रत उपवास रखना है, देवी माँ की पूजा ज्यादा से ज्यादा करना है और सिंह लग्न वाले मनुष्य से बच करके रहना है। सिंह लग्न वाले मनुष्य से विवाह भी नहीं करना है यदि नहीं हुआ हो तो, और सिंह लग्न वाले के साथ में पार्टनरशिप भी नहीं करना है, सिंह लग्न वाले मनुष्य के साथ में दोस्ताना संबंध भी नहीं रखना है। आत्मविश्वास भी बहुत ज्यादा है, किसी से आपको ईर्ष्या नहीं करना है, घमंड नहीं करना है। शनि योग कारक ग्रह है, इसलिए शनि का उतारा करते रहें ताकि आपको आपके जीवन में अच्छे से फल की प्राप्ति होती रहे और अधिक से अधिक आप श्री महालक्ष्मी अष्टकम श्री सूक्त इनका पाठ करें क्योंकि आपके जीवन में धन की कमी ईश्वर ने दी है, जन्मजात दी है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने पाप कर्म किया है और पिछले जन्म में आपके द्वारा जो है जो पाप कर्म किया गया है उसमें स्त्री का दोष आपको बताया जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा भी गड्ढे में गिरा हुआ है, यह भी स्त्री को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र भी स्त्री को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस जन्म में आपको लक्ष्मी और स्त्री और माँ तीनों के पूरा सुख मिलने की संभावनाएं नहीं बनती है। पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपके पूर्वज कोई न कोई पूर्वज जो है, क्योंकि शुक्र राहु एक साथ बैठने की वजह से और शनि का तृतीय भाव में बैठने की वजह से ये बताया जा रहा है कि आपके पीछे जो आपकी रुकावटें हैं, दोष हैं, उसके पीछे आपके कोई न कोई पूर्वज जो है सर्प योनि में हैं। आपको उन पूर्वजों को सर्प योनि से मुक्त कराओगे तो ही आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। वह पितर आपको अवश्य परेशान करते रहेंगे।
सांपों का मंदिर अवश्य बनवा दें, नाग महाराज का मंदिर बनवा दें, आपको पेट संबंधी बीमारी भी हो सकती है और इलाज में सफलता मिलेगी, परंतु फिर इलाज बंद होने पर फिर पेट की बीमारी होने की संभावना ज्यादा बनती है। यानी आपकी जो पूरी जिंदगी की समस्या की जो जड़ है वह है कि पूर्वज जो है, कोई न कोई पूर्वज और स्त्री पूर्वज कह लीजिए, वह सर्प योनि में चले गए हैं, इस वजह से आपका ये भाग्य रुका हुआ है। रही बात अब गुरु की, जो भाग्य स्थान में बैठा है, नवम स्थान में बैठा है, तो एक बुजुर्ग का साया आपके साथ में है और ऐसा व्यक्ति माया का त्यागी और संत समान विचारों से आपको वो ओतप्रोत करता रहता है। यानी एक पुरुष भी आपके साथ में है जो गुरु के रूप में भाग्य स्थान में बैठ करके आपके साथ में है, जो आपको धर्म की ओर ले जाने का प्रयास करता है, आपको बार बार त्यागी बनाने की कोशिश करता है और आपके विचारों में संत के विचार लाने का प्रयास करता है। और आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, वह विचारधारा आपकी बढ़ती जाएगी, बली होती जाएगी, आप ज्ञानी बनते जाएंगे और आप यदि किसी व्यक्ति को बद्दुआ भी दे दोगे तो बद्दुआ लागू हो जाएगी। यानी आपके पास उस पिछले जन्म के एक साधु सन्यासी की आत्मा आपके साथ में चल रही है और एक ऐसी स्त्री जो पितृ थी वो सर्प योनि में चली गई है, वह आपसे मुक्ति चाहती है। जब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी आपका भाग्य नहीं खुलेगा। तो आपसे विनम्र निवेदन है, जो भी 2 मार्च 1990 को पैदा हुआ है रात्रि को 23:41 पर अहमदाबाद में, उन जिसका भी हो, यदि वो व्यक्ति अपने पूर्वज को सर्प योनि से मुक्त करवा दे और जो आत्मा साथ में आई है, अच्छी आत्मा साथ में आई है, सिद्ध आत्मा साथ में आई है, उसको यदि वो पटा ले, उसका पूजन करने लग जाए तो इसका भाग्य बदल सकता है, सुख समृद्धि शांति प्राप्त हो सकती है। अब आते हैं हम महादशा के ऊपर। तो महादशा के अनुसार अभी राहु केतु की महादशा अंतरतर दशा चल रही है, इसमें कष्ट की प्राप्ति होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। शुक्र की अंतरदशा जब आएगी, राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा आएगी, तब विवाह होने की संभावना बनती है। यदि हो गया है तो किसी दूसरी स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बनने की संभावना बनेगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी का भाग्य इस तारीख से, इस समय से मैच होता है तो वह व्यक्ति हमसे संपर्क कर सकता है। यदि और कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।